छात्रों, चलते हम इस पाठ की ओर जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। छात्रों, हमें पता है कि पूर्व काल में हमारे समाज में पुरुष प्रधान संस्कृति हुआ करती थी, जहाँ पे स्त्री का कोई महत्व नहीं था। उसका जीवन चार दीवारी के बीच में ही शुरू होता था और चार दीवारी में ही समाप्त होता था। उस पर कई अत्याचार होते थे। जैसे जैसे काल बीतता गया, वैसे वैसे अनेक समाज सुधारकों ने स्त्री के अस्तित्व को जाना। वो पढ़ने लगी, उसे अपने हक अधिकार समझने लगे, वह हर क्षेत्र में अपना अस्तित्व जताने लगे। फिर भी आज हमारा समाज शिक्षित होकर भी ऐसे विचारों का बना है जो दुखियानुसी विचारों का है, जो रूढ़िग्रस्त है। आज भी सुशिक्षित महिलाओं को वह आगे बढ़ने नहीं देगा, उसके शिक्षा को सम्मान नहीं देता, उसके महत्व को नहीं समझता। तो इस पाठ में भी लेखक ने एक लड़की है जिसका नाम है उमा, वह पढ़ी लिखी है परंतु उसके घर के लोग उसे अपना उसका खुद का सत्यता छिपाते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते। वैसे ही इस पाठ के कुछ पात्र का परिचय हम देंगे। इस पाठ में मुख्य पात्र है उमा, जो एक सुशिक्षित युवती है। दूसरा पात्र है उमा के पिता, जो पढ़े लिखे हैं उमा के पिता। प्रेमा है उमा की माँ। शंकर है सुशिक्षित युवक जो पढ़ा लिखा है। गोपाल प्रसाद है, वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा वह अपने शिक्षित लोग हैं, वह अच्छे खासे शंकर के पिता। रतन है राम स्वरूप का नौकर। इस पात्र के द्वारा इस एकांकिका में एक नाटिका का रूप में सादरीकरण किया है। तो चलते हैं हम इस पाठ को पढ़ेंगे।